अब क्वेश्चन 32 के बी वाला पार्ट देखिए, क्या कह रहा है। इफ एफ अल्फा इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें रिजल्ट प्रूव करना है कि एफ अल्फा डॉट एफ माइनस बीटा जो है वो बराबर होगा एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा के। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सिंपल है कि जब हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा हो, मान लो एफ एक्स दे रखा हो एक्स प्लस वन, और हमें एफ वाई निकालना हो, तो हम क्या करते हैं कि जहां भी उसमें वेरिएबल एक्स है वहां वेरिएबल वाई रख देते हैं, तो हमें एफ वाई मिल जाता है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके पहले तो हम एफ अल्फा तो दे ही रखा है, एफ माइनस बीटा निकाल लेंगे। तो एफ माइनस बीटा आएगा कि जहां भी अल्फा है वहां माइनस बीटा रख दो, कॉस माइनस बीटा माइनस साइन माइनस बीटा जीरो, साइन माइनस बीटा कॉस माइनस बीटा जीरो जीरो वन। अब आप देखें तो आप जानते हैं कि जो हमारा कॉस माइनस थीटा है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस माइनस साइन को खा जाता है। साइन माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, वो माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो इसी से ये एफ माइनस बीटा क्या बन जाएगा, एफ माइनस बीटा बन जाएगा, दिस इज कॉस बीटा एंड दिस इज, ये माइनस बाहर आएगा तो साइन बीटा, ये माइनस साइन बीटा, ये बन जाएगा कॉस बीटा जीरो जीरो वन। अब लेफ्ट हैंड साइड में यूज होने वाली टर्म हमने निकाल ली, राइट हैंड साइड वाली भी हम निकाल देते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि रिजल्ट क्या बनाना है। तो आर एच एस को मैं निकाल देता हूं, एफ अल्फा माइनस बीटा, कोई चेंज नहीं, जहां अल्फा है वहां अब हम क्या रखेंगे, अल्फा माइनस बीटा रखेंगे। तो पुट करो, ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा जीरो, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा जीरो 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 वन, दिस वन। ये रिजल्ट हमें इनके प्रोडक्ट से लेके आना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, एफ अल्फा डॉट एफ माइनस बीटा, लिखो दोनों मैट्रिक्स को, क्या बनेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 वन। और यहां रखो आप एफ माइनस बीटा, यानी कॉस बीटा साइन बीटा जीरो, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, और ये भी जीरो, ये है जीरो जीरो वन। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, जरा देखिए, प्रोडक्ट थोड़ा केयरफुली करना है क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी होगी बट क्वेश्चन करना इजी है। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और जीरो को तो आप बेशक से ना लिखें, प्लस जीरो वो नेक्स्ट स्टेप में हटेगी, हम यहीं पे लिख रहे हैं। अब इसको इसके साथ, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, और यहां देखो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब इस टर्म की, तो यहां आएगा साइन अल्फा
कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर दूसरे वाली कॉलम के साथ साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, और फिर जीरो आएगा, उसको बेशक से ना लिखें, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब इसका इसके साथ ये आएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ये भी आएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो एंड जीरो प्लस जीरो प्लस वन, ये हो गया। अब दो फॉर्मूले हम यहां यूज करने वाले हैं, कौन से जरा देखिए, एक तो है कॉस ए प्लस बी किसके बराबर होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ओके यहां प्लस वाला भी यूज हो रहा है, माइनस साइन ए साइन बी, और अगर यहां माइनस साइन है तो यहां पे प्लस आता है, यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा। एक हम यूज करने वाले हैं साइन ए माइनस बी का, जो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के, और अगर यहां प्लस है तो यहां भी प्लस होता है, कॉस वाले में उल्टा चलता है। अब यहां देखिए क्या कर ले, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये होता है कॉस ए माइनस बी, यानी ये टर्म बन गई आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा, चेक करो ये रिजल्ट बन गया। अब यहां से यदि मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो माइनस साइन कॉमन लेने पे बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा, ये टर्म माइनस की हो जाएगी, कॉस अल्फा साइन बीटा दिस इज जीरो, और यहां पर है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यानी साइन ए माइनस बी यानी साइन अल्फा माइनस बीटा। देखो हम फॉर्मूला यहां भी लगा सकते थे बट हमें चाहिए माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहां हमारा आता साइन बीटा माइनस अल्फा, तो हमें राइट हैंड साइड को देखते हुए काम करना है। यहां पर है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा, और बाकी तो सब सिंपल दिख रहा है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी तो साइन ए माइनस बी, आप ध्यान से लिखें कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस ये हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा जीरो, ये हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा जीरो एंड जीरो जीरो वन। आप टैली कर लें कि यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, हेंस प्रूफ। तो केवल आपको वो फंक्शंस वो मैट्रिक्स निकाल लेनी है, फिर उनका प्रोडक्ट करना है, रिक्वायर्ड फॉर्मूले यूज करने हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल आप इसे बना पाएंगे।